नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। सलमान खान इन दिनों खूब इंटरव्यू दे रहे हैं। उनकी फिल्म टाइगर 3 दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए के क्लब में कदम रख चुकी है। वो बात अलग है कि समीक्षकों को यह फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई। बहरहाल, सलमान और उनके प्रशंसक तो फिल्म को मिली सफलता से बेहद खुश हैं। हाल ही में सलमान ने अपने बारे में और अपनी इस फिल्म के बारे में बातचीत की। उन्होंने ये भी बताया कि खुद को सुपरस्टार नहीं मानते। सलमान बोले, मुझे कभी सुपरस्टार जैसा नहीं लगा। मेरी आदतें किसी सुपरस्टार जैसी नहीं हैं। मैं जिस तरह से सफ़र करता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, वो किसी भी तरह से सुपरस्टार वाले नहीं हैं। मेरा दिमाग उस तरह से काम नहीं करता। उन्होंने कहा, मेरे बारे में कुछ भी सुपरस्टारी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं सुपरस्टार हूँ। ये सब बकवास है। मैं बस सुबह उठकर कॉफ़ी पीकर दिन शुरू करने में खुश रहता हूँ। सलमान ने बताया कि पिछले 25-26 सालों से मैं घर से बाहर खाना खाने के लिए नहीं गया हूँ। जब मुझे शूट करना होता है तभी सफ़र करता हूँ। मेरा आना जाना बस घर, शूट, होटल, एयरपोर्ट, लोकेशन, फिर से घर और फिर जिम तक ही होता है। उन्होंने कहा, घर से बाहर निकलने के नाम पर मैं कभी बस अपनी माँ के साथ पास के रेस्टोरेंट में चला जाता हूँ या हम कभी कॉफ़ी पी लेते हैं, बस इतना ही। सलमान ने बताया कि उन्हें एक था टाइगर कैसे मिली थी। उनके मुताबिक दोपहर 2:30 बजे उनके फॉर्म हाउस पर उन्हें इसकी कहानी सुनाई गई थी। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी, उन्हें लगा कि ये फिल्म अच्छी है और यही सोचकर फिल्म साइन कर ली। सलमान ने कैटरीना कैफ को खुद से कहीं ज़्यादा मेहनती बताया और कहा कि वह इस सफलता की पूरी हकदार हैं। फिल्म के 400 करोड़ होने पर सलमान बोले, सफलता खुद पर हावी ना होने दे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।